अस्थिरता के बावजूद ईंधन की कीमतों में गिरावट आई, यह दावा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। पुरी चंडीगढ़ में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के दौरे के दौरान मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। हाल के मध्य पूर्व संकट पर एक प्रश्न को संबोधित करते हुए मंत्री पुरी ने मध्य पूर्व में आतंकवादी कृत्यों की कड़ी निंदा की और कहा, भारत वैश्विक शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम कीमतों पर मध्य पूर्व संकट के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि भारत की ईंधन आपूर्ति सुरक्षित और सस्ती बनी हुई है। उन्होंने भारत के तेल आपूर्ति के विविध स्रोतों और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में इसकी स्थिति पर जोर दिया। मंत्री पुरी ने भारत की ऊर्जा नीतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत में पिछले दो वर्षों में ईंधन की कीमतों में लगातार कमी देखी गई है, जिससे हमारे नागरिकों को आर्थिक राहत मिली है। क्राइसिस तो कई किस्म के आते रहे हैं, पिछले दो तीन सालों में हमने कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बट आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट बोथ ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दैट वी कैन नेविगेट फॉरवर्ड। दुनिया भर में जब दाम नॉर्थ अमेरिका में 40-50% बढ़ रहे थे दाम, दक्षिण एशिया में हमारे आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान में 330 रुपये का पर लीटर पेट्रोल हो गया, श्रीलंका में 70-80%, हमारे यहाँ 2 साल में 5% कम हुआ। आई एम कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू मैनेज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।